खनन माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, चार ट्रैक्टर ट्रोली पकड़ कर की सीज। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में नवभारत समाचार पर प्रसारित खबर का असर पड़ता दिख रहा है। खटीमा में चल रहा हेलीपैड के नाम पर अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नगला तराई के लोहिया हेड में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड के निर्माण हेतु हेलीपैड निर्माण कार्यदायी संस्था को कुछ मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसके लिए मिट्टी लाई जानी थी। खनन माफिया ने हेलीपैड पर मिट्टी डालने के नाम पर शहर के अंदर कई सारे मकानों के फाउंडेशन भरने का काम शुरू कर दिया। मिट्टी खटीमा के पास ही गांव गांधीनगर से लाई जा रही थी। इसकी सूचना गुप्त सूत्रों से जब मीडिया को पहुंची तो आनन फानन में खनन माफिया द्वारा खनन कर रही मशीन और ट्रैक्टर ट्रोली को हटाने का काम किया जाने लगा। इस अवैध खनन के बारे में राजस्व विभाग को पता चलने के बाद भी राजस्व विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन खटीमा पुलिस ने अपने फर्ज को निभाते हुए एक बड़ी कार्यवाही की और चार ट्रैक्टर ट्रोली को पकड़ कर सीज कर चकरपुर चौकी पर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में खनन पर प्रतिबंध होते हुए भी खटीमा के अंदर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खटीमा उधम सिंह नगर, नवभारत समाचार से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। अभी पूरे जिले में अवैध खनन और अवैध मिट्टी खनन को लेकर एक ब्रॉड अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत भी कल चार ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध मिट्टी ले जाते हुए पकड़ा गया है, जिनको खनन और आर्म्स एमबी एक्ट के तहत सीज किया गया। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अगर ये अवैध खनन लगातार अभियान जारी है।